क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में चौथे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे, तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हां मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप, नहीं नहीं मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं, पूरी बात, इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है, बात सुन लीजिए, ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं, इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है, इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको, आपको सरकार किसने बना दी, सोचिए आप। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया, और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं।